कोहिनूर इमारत मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। प्रदर्शन करते ये लोग मनसे के एक कार्यकर्ता है जो अपने प्रमुख राज ठाकरे की पेशी से नाराज है। कोहिनूर इमारत मामले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। मुंबई पुलिस भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रही। मरीन ड्राइव, एमआरए मार्ग, दादर, आजाद मैदान छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए। इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने इन इलाकों पर न जाने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें कि उन्मेश जोशी की कंपनी कोहिनूर CTNL के जरिए मील की जमीन खरीदी गई थी। बाद में जमीन पर कोहिनूर स्क्वायर नामक इमारत का निर्माण किया गया। सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से निवेश कराया गया। बाद में निवेश में धांधली का आरोप लगा और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।